अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ कंट्रोलर के बारे में बताऊं मैं आपको। ये हमारा एलईडी एरेट का कंट्रोलर है, जिसे एलईडी एरेट की डायरेक्ट फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है, इसमें लग जाती है, ठीक है ना। ये वो कंट्रोलर है, एचडी कंट्रोलर है ये। इनमें से कोई भी कंट्रोलर ऐसा नहीं है जिसमें कोई आईसी वाईसी का कोई चक्कर है, ऐसा कोई जो ऐसे पहले कंट्रोलर में होता था वो कंट्रोलर नहीं है। इसमें आईसी की प्रोग्रामिंग का कोई ऐसा इशू नहीं आता, सब बेहतरीन कंट्रोलर है। इसकी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे, इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल आज का हमारा जो मौजू है ना, इस कंट्रोलर के ऊपर है। ये कंट्रोलर बेसिकली है तो एलईडी एडेट का, मगर आप इससे जीनिक से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये एक कंट्रोलर जो है ना, ये आपकी 4000 एलईडी सपोर्टेड है। ये इस पे आप एक कंट्रोलर के ऊपर 40 लड़ी भी चला सकते हैं, ठीक है ना। और एस टाइप करके, इसको पैरेलल एस टाइप करके 40 लड़ी भी आप इसके ऊपर एक के ऊपर चला सकते हैं। और दो कंट्रोलर आपस में डीएमएक्स भी हुए थे, इसका सिंक भी बड़ा ज़बरदस्त है। और हमारा जो आज वीडियो बनाने का मकसद ही यही है मेन, कि आपको इसका सिंक चेक करवाया जाए कि कितना बेहतरीन है, ठीक है ना। कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये इसका जो है ना, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, ये ए है, ये बी है, ये सिंक के लिए दो होते हैं। बाकी ये 1 से लेके 20 तक इधर इसके पोर्ट हैं, 1 से लेके 20 तक। और ये मेमोरी कार्ड की जगह है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है, ठीक है ना, इस जगह पे। और मेमोरी कार्ड भी इसका अंदर ही रहता है, ताकि ऐसा इशू नहीं है कि कोई बच्चा निकाल लेगा या कुछ भी। आप इसके ऊपर कोई टेप भी लगा सकते हैं ऊपर से, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये मेमोरी कार्ड है। तो बस हमारा मकसद यही था, अभी हम आपको थोड़ा सा लाइव डेमो दिखाएंगे वहाँ पे करके, कि ये किस तरीके से लाइव सिंक्रोनाइजेशन करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी उसकी तरफ। जी दोस्तों, मैं जैसे चाह रहा था कि आपको ये दिखाऊं कि किस तरीके से ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन करता है, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। ये हमारा मास्टर कंट्रोलर है, ठीक है ना। ये हमारी एक 60 एम्पीयर की इधर सप्लाई लगी हुई है, और ये इधर एक हमारा स्लेव कंट्रोलर लगा हुआ है, दूसरा कंट्रोलर, ठीक है ना। ये 40 लड़ी इकट्ठी इस प्रोग्राम के ऊपर चल रही है, दो कंट्रोलर के ऊपर ये 40 लड़ी इकट्ठी चल रही है। ये देखो दो कंट्रोलर है, सेम इसका सिंक होकर चल रहा है। ये हम आपको लाइव इसका दिखाएंगे। हमारा मकसद अभी वीडियो बनाने का यही है कि आपको दिखा सके। ये चेक करें, इसमें ये हमारी डीएमएक्स की तारें लगी हुई हैं, एक ग्रीन एक ब्लू, और ये रेड और ब्लैक जो है ना, ये हमारी उसकी पावर की है, ठीक है ना। ये हमारा मास्टर कंट्रोलर है, ठीक है ना। और ये हमारा दूसरा कंट्रोलर है जो स्लेव कंट्रोलर, तो इसमें भी इस तरीके से ही लगी हुई है। ये ब्लू बी में लगी हुई है, ग्रीन वाली जो ए में लगी हुई है। तो ये एक माइनस है, एक प्लस है। तो अभी ये एक प्रोग्रामिंग हमने आपको दिखाया, अभी ये दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि अगर आप इसको 10 मिनट बाद भी अगर चालू करते हैं तो ये एक साथ प्रोग्रामिंग चलती है या आगे पीछे होता है, ठीक है ना। ये हमने इस कंट्रोलर को किया है बंद, बंद किया है। अभी आप चेक करें कि इसको, ये आपको आधा चल रहा है पैनल और आधा नहीं चल रहा है। ये वो कंट्रोलर जो हमने बंद किया है वो रुक गया है। तो अभी हम इसको लगा के चेक करा रहे हैं आपको कि ये देखें कि ये एक साथ चल रहा है या आगे पीछे हो रहा है। ये अभी आप, हमने लगा दिया इसको, ये ऑन हुआ है कंट्रोलर। ये चेक करें आप, ये चेक करें, हमने इसको जब भी इसको डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे तो एक साथ इसका सिंक होके चलेगा। हमारा लाइव सिंक्रोनाइज का यही मकसद है। अब आपको दोबारा डेमो के तौर पे दिखा देते हैं। ये चेक करें कि हमने इसको कंट्रोलर को बंद कर दिया, बंद कर दिया कंट्रोलर को। और ये आप चेक करें कि हाफ साइड चल रही है और हाफ साइड आप हमारी बंद है, यानी कि 20 लड़ी हमारी चल रही है, 20 बंद है। एक कंट्रोलर चल रहा है, एक बंद हो गया। तो अभी हम इसको पावर देंगे और यही चेक करवाना है कि देखो 10 मिनट बाद भी अगर आप दूसरी सप्लाई लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ही वहीं से सिंक होके चलेगा। ये तो वहीं से ऑटोमेटिक सिंक होके चलेगा, ये आपने चेक किया ना। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप हमसे ये कंट्रोलर लेते हैं तो आपको किस तरीके की प्रोग्रामिंग मिलने वाली है इसमें। तो इसमें सब लेटेस्ट डिजाइन है हमारे, ज़्यादातर इसमें हमने लेटेस्ट डिज़ाइन डाले हैं, जो अभी तक हमारे बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है 2024 के। तो कुछ पुराने डिज़ाइन भी होंगे इसमें। तो ये कमोपेश 24-25 मिनट की वीडियो है और इतनी देर का इसमें प्रोग्राम बिल्ड कर दिया है। अगर आप दो कंट्रोलर लेते हैं, 40 लड़ी चलाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको किस तरीके की प्रोग्रामिंग मिलेगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कंट्रोलर लेते हैं तो हमें किस तरीके के इसमें डिजाइन मिलने वाले हैं। तो एंजॉय करें, इस वीडियो को लंबी होगी और फिर फीडबैक देना।